नमस्ते, सुगंधाज किचन में आपका स्वागत है। हैप्पी बसंत पंचमी। आज हम बनाएंगे धारवाड़ के मशहूर पेड़ा, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाते हैं। धारवाड़ का मशहूर पेड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर छेना को लेंगे और यहाँ पर छेना को हम इस तरह क्रम्बल कर लेंगे। छेना को हल्का सा इस तरह हमें चिकना कर लेना है। ये देखिए, ऐसे आप छेना के जगह पनीर को भी ले सकते हैं। छेना के जगह अगर आप पनीर को लेते हैं तो पनीर को ग्रेट कर लें और उसे इस तरह हम डाल देंगे पैन में। तो यहाँ देखिए, हमारा छेना है क्रम्बल हो गया है और इसी पैन में डाल के हम भून लेंगे। गैस को मीडियम रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए इसे बिल्कुल ब्राउन कर लेना है। आपको भूनते वक्त अगर चिपके तो इसमें घी भी डाल सकते हैं, लेकिन आज हम इस पेड़ा को बहुत ही कम घी में बनाएंगे। ये पेड़ा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और ये टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है पेड़ा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा छेना था उसका कलर चेंज हो रहा है। तो हम गैस को थोड़ा सा और लो कर देंगे और इसे लगातार चलाते हुए बराबर से भूनते रहना है। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि हमारा जो छेना है बिल्कुल ब्राउन हो गया है। हम गैस को बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल कर इसे बिल्कुल ठंडा होने के बाद इसे हम ग्राइंड करेंगे और फिर एक पैन में हम एक चम्मच के करीब घी डाल देंगे और घी जैसे ही हमारा मेल्ट होगा हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा दूध। तो यहाँ पर मैंने आधा कप से भी कम दूध को डाला है और इसी में हम डाल देंगे मिल्क पाउडर। तो थोड़ा थोड़ा करके मिल्क पाउडर डाल दें और उसे हम इस तरह मिलाते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे। यहाँ पर मैं मिल्क पाउडर से इंस्टेंट खोआ बना रही हूँ। आप चाहे तो अगर आपके पास खोआ है तो आप खोआ को डायरेक्ट इस तरह भून सकते हैं। थोड़ा सा घी लें और खोआ को भूनते हुए ब्राउन कर लेंगे। और अब हम क्या करेंगे कि गैस को बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इसे भूनते हुए ब्राउन कर लेंगे। और इधर हमारा जो छेना था बिल्कुल ठंडा हो गया है, हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। बीच बीच में हम खोआ को भी चेक करते रहेंगे, उधर चलाते भी रहेंगे और इसे पीस लेंगे। तो इसी में हम चीनी को भी डाल देंगे। चीनी और ये जो छेना को भुने थे उन दोनों को हमें एक साथ पीस लेना है। तो यहाँ देखिए, अभी दरदरा सा है तो इसमें हल्का सा दूध डाल के इसे बिल्कुल पेस्ट बना लेंगे। तो इसमें हल्का सा दूध डाल दें और यहाँ देखिए, हमारा पेस्ट रेडी हो गया है। बिल्कुल बारीक ये पेस्ट बन के रेडी है, यहाँ देखिए। और इधर हमारा जो खोआ है हल्का सा ब्राउन हो गया है। इसे लगातार चलाते रहें और इसे हम ब्राउन कर लेंगे। अगर आप इस खोआ को जल्दी बनाना चाहते हैं तो 4 से 5 चम्मच इसमें घी डाल दें तो आपका खोआ जो है बहुत ही जल्दी ब्राउन हो जाएगा। यहाँ हमारा खोआ ब्राउन हो गया है। हम इसमें डाल देते हैं छेना और चीनी का जो मैंने पेस्ट बनाया था उसे डाल दें। यहाँ पर मैं बहुत ही कम घी में पेड़ा बना रही हूँ, इसलिए इसमें मैंने बहुत ही कम घी यूज़ किया। और इसी में हम डाल देंगे कुछ इलायची पाउडर और इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये पेड़ा आप बनाए बहुत ही टेस्टी लगता है। बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन लगता बहुत ही टेस्टी है। गैस को हम मीडियम करेंगे और इसे लगातार चलाते हुए इसे हल्का सा डो जैसा बना लेना है। तो यहाँ देखिए, हमारा जो मिश्रण था हल्का सा ये डो जैसा बनने लगा है। हम इसे थोड़ा सा मिश्रण लेके इसका हम डो बनाएंगे। हल्का सा ठंडा कर ले इसे कुछ सेकेंड के लिए। कुछ सेकंड बाद हम इसे चेक करेंगे, ये हल्का सा सॉफ्ट लग रहा है तो हम इसे 1 मिनट के लिए और पका लेंगे। ये हल्का सा और टाइट डो चाहिए। 1 मिनट के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हम क्या करेंगे कि एक प्लेट में निकाल करके ठंडा कर लेंगे। ये हमारा डो बन गया है और यहाँ हमारा जो डो है बिल्कुल ठंडा हो गया है और इसे हम इस तरह स्पून से निकालेंगे। और जितना बड़ा आपको पेड़ा बनाना है उतना बड़ा पेड़ा ऐसे हम ले करके उसे लंबे गोल जैसे साइज में आप चाहे उसे बना लें। और यहाँ पर मैंने चीनी का बूरा रखा है, इस पेड़ा में हल्का सा हम लगा लेंगे और एक्स्ट्रा बूरा को हम इस तरह हटा लेंगे।
तो यहाँ देखिए हमारा एक धारवाड़ का पेड़ा बनके रेडी है। मैं एक और पेड़ा बना करके दिखाती हूँ। ये मिश्रण को ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, बस जब हल्का सा गर्म रहे तो ही से बना लें। अब तो ऐसे बहुत सारे पेड़ा खाए होंगे, लेकिन ये पेड़ा को आप एक बार ट्राई ज़रूर करें, ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो हम ऐसे ही सारा पेड़ा बना लेंगे। यहाँ हमारा सारा पेड़ा बनके रेडी है। बहुत ही टेस्टी पेड़ा बना है और बहुत ही हेल्दी। तो आप इस पेड़ा को जरूर ट्राई करें, ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है।